सब्सक्राइब करें प्राइम लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, प्राइम लर्निंग चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में देखेंगे हम पूरे अगस्त में हुए जो करंट अफेयर्स हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला अपडेट जो आता है वो देखते हैं हम। तो पहला अपडेट है वो कौन है जो हाल में ही UPES के कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए। तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर दीपेंद्र कुमार। अगला अपडेट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। वह फुटबॉल क्लब जिसने यूरोपियन सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता, तो वह फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड है। अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने हाल में ही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई, तो उनका नाम है दोस्तों देविंदर सिंह कंग। अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों। वह स्थान जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक फैसले के बाद पहली FIR दर्ज की गई, तो स्थान मेरठ है। अगला अपडेट है केंद्र सरकार ने OBC क्रीमी लेयर की वार्षिक आय पर 6 लाख से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया। तो बेसिकली दोस्तों पहले 6 लाख इसका था और अब अपडेट जो है वो 8 लाख रुपए हो गया, यानी कि क्रीमी लेयर, यानी कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो सीमा है वो 8 लाख रुपए हो गए हैं। अगला अपडेट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यमुना की सफाई पर स्टेटस रिपोर्ट ना सौंपने पर केंद्र सरकार के साथ साथ किस राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो दोस्तों वो सरकार दिल्ली सरकार है जिसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। अगला अपडेट है ब्रिटेन के जिस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल में ही अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास लेने की घोषणा की, वो महान खिलाड़ी वेन रूनी है। अगला अपडेट दोस्तों, जिन्हें हाल में ही ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, वे राष्ट्रपति का नाम हसन रूहानी है। अगला अपडेट दोस्तों आरक्षण के ऊपर, तो बेसिकली वो प्रदेश बताओ जहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर जाटों को आरक्षण दे दिया गया, तो आरक्षण राजस्थान राज्य के अंदर हो गए हैं। अगला अपडेट है दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जहां पर भारतीय महिला हॉकी टीम में नए कप्तान की नियुक्ति की गई है, तो उस नए कप्तान का पूरा नाम है पूनम रानी। अगला अपडेट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने जिसको एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया, तो इसका आंसर है राजीव बंसल। अगला अपडेट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित नदी पर नए पुल का निर्माण मंजूरी प्रदान की, नदी का नाम क्या है, तो बेसिकली उस नदी का नाम है मेची नदी। अगला अपडेट है दोस्तों केंद्रीय सरकार के ऊपर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई केंद्रीय खाद प्रसंस्करण योजना संपाद का नाम बदल दिया, यह नया नाम क्या है, तो उस नई योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगला अपडेट है कन्याकुमारी से शुरू किए जाने वाले नदी संरक्षण अभियान यानी कि रैली फॉर रिवर्स अभियान की आयोजक संस्था कौन है, तो इसका आयोजक संस्थान ईशा फाउंडेशन है। अगला अपडेट है भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस मूल्य का नोट निकालने संबंधित अधिसूचना जारी किया है वो नोट 200 रुपए का है, जो कि दोस्तों फाइनली 200 रुपए का नोट RBI के द्वारा 25 अगस्त 2017 को लॉन्च कर दिया गया। वह देश जो 2018 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस विश्व कप की मेजबानी करेगा वो देश इंग्लैंड है। अगला अपडेट है दोस्तों इंफोसिस से रिलेटेड, जहां पर एक चेयरमैन को नियुक्त किया गया है, तो उस चेयरमैन का नाम बताओ, तो उनका नाम नंदन नीलकनी है। अगला अपडेट देखते हैं, भारत और किस देश के बीच में मादक पदार्थों की मांग में कमी और अवैध तस्करी का रोकथाम हेतु समझौता हुआ, तो बेसिकली दोस्तों ये भारत और नेपाल के बीच में ये समझौता हुआ है। अगला अपडेट देखते हैं, जिस राज्य में भरतपुर और धौलपुर के जाटों को OBC का आरक्षण प्रदान किया गया वो राज्य राजस्थान है, जहां पर जाटों को OBC के अंडर जहां पर जाटों को OBC का आरक्षण प्रदान हो गया। अगला अपडेट है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने हाल में ही जिस अभियान को शुरू किया उस अभियान का नाम मेंटर इंडिया है। अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों, जिस राज्य ने क्लाउड सीडिंग परियोजना वर्षधारा की शुरुआत की उस राज्य का नाम कर्नाटक है। अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों, जिस राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री और पहली लोकसभा के अध्यक्ष रहे रिशांग किशिंग का निधन हो गया वो राज्य मणिपुर है। अगला अपडेट है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता 2 लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया वो 10-10 लाख रुपए का जुर्माना था। अगला अपडेट है फोर्ब्स द्वारा जारी टॉप 100 टेक लिस्ट में बिल गेट्स नंबर 1 पर हैं। वह जिस कंपनी के फाउंडर है उस कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है।
अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों, भारतीय महिला एथलीट ने 29वें विश्व यूनिवर्सिटी खेल में महिलाओं को 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जिता लिया। उस महिला एथलीट का नाम संजीवनी झाधवा है, जिन्होंने फाइनली 10 किलोमीटर दौड़ का रजत पदक जीता। अगला अपडेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेची नदी पर नए पुल का निर्माण मंजूरी प्रदान कर दी। तो बेसिकली ये नदी जो है वो भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है। अगला अपडेट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निजात का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह संविधान के किस धारा के अंदर आता है? तो बेसिकली ये धारा नंबर 21 है, जिसमें जीने का अधिकार है। अगला अपडेट है, हाल ही में वर्ल्ड हॉर्स रेसिंग चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो उस महिला खिलाड़ी का नाम है गिना सुमाकर। अगला अपडेट है, हाल में ही बीजेपी के किस मंत्री एवं पार्टी प्रमुख अमित शाह ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण की? उस पार्टी प्रमुख का नाम है स्मृति ईरानी। अगला अपडेट है, भारत और नेपाल ने हाल में ही कितने समझौते विज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो बेसिकली दोस्तों भारत और नेपाल ने 8 समझौतों पर साइन किया। तो चलिए अपडेट्स को देखते हैं, हाल में ही केंद्र सरकार ने इस देश से सोना और चांदी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो देश दक्षिण कोरिया है। अगला अपडेट है, वह राज्य जिसमें हाल में ही गैर राजपत्रित नौकरियां के लिए हस्ताक्षर समाप्त करने की घोषणा की गई, वह देश उत्तर प्रदेश है। अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों, वह राज्य पुलिस जिसके साथ मिलकर युवा कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया, वह राज्य पुलिस दिल्ली पुलिस है। अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा इस देश में हाल में ही यूरेनियम बैंक आरंभ किया गया, वह देश कजाकिस्तान है। अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों, वह कौन सा देश है जहां हाल में ही जेवियो उत्सव मनाया जा रहा है? वह देश स्पेन है। अगला अपडेट है दोस्तों, राष्ट्र खेल दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह तारीख 29 अगस्त है। अगला अपडेट है, हाल में ही जिस खिलाड़ी ने यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 जीता वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में रजत पदक जीता वो पीवी सिंधु है। अगला अपडेट, मध्य प्रदेश सरकार ने बिहार में आई भीषण बाढ़ से निपटने में बिहार सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष में जितने करोड़ रुपए का दान दिया वो दान 5 करोड़ रुपए का था। अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों, जिस केंद्रीय मंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र प्रशासन अकादमी के 52वें फाउंडेशन कोर्स का उद्घाटन किया वो स्मृति ईरानी है। साथ ही साथ एक और अपडेट है दोस्तों स्मृति ईरानी के, वो ये है कि स्मृति ईरानी को राज्यसभा की मेंबरशिपता मिल गई है। खेल दिवस के अवसर पर देहरादून राज्य सरकार ने जिन दो भारतीय महिला क्रिकेटरों को 5-5 लाख रुपए देकर सम्मानित किया वो दो महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट और मानसी जोशी है। अगला अपडेट है, श्रीलंकाई क्रिकेट चयन समिति ने त्याग पत्र दे दिया। इस चयन समिति के प्रमुख पूर्व क्रिकेटर का नाम संत जयसूर्या। अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं हेतु क्रियाओं पर लिए जाने वाली जिस सुविधा को केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे पर बाहर रखा वो किराया पर लिया कमरा। अगला अपडेट है, सार्वजनिक क्षेत्र में जिस कंपनी ने पूरे भारत में एएसपी या जीएसपी सेवा जीएसटी सुविधा प्रदाता ऐप का शुभारंभ किया वो भारत संचार निगम लिमिटेड है। अगला अपडेट है, जिस पंजाबी स्टार क्रिकेटर का खेल दिवस के अवसर पर अर्जुन अवार्ड को सबसे सम्मानित किया गया वो हरमनप्रीत कौर है। अगला अपडेट है दोस्तों, हाल में ही जिस देश की सेना में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति से संबंधित योजना पर प्रतिबंध लगाया गया वह देश अमेरिका है। अगला अपडेट है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बिहार को राहत एवं बचाव कार्य हेतु जितने करोड़ रुपए की मदद घोषणा की 500 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई है। अगला अपडेट है, अमेरिका ने जिस देश की तानाशाही पर 26 अगस्त 2017 को कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए गए वह देश वेनेजुएला है। सरकार ने जिस देश से सोना चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया वह देश दक्षिण कोरिया है। अगला अपडेट है दोस्तों, कतर ने अरब देशों की मांग की अनदेखी करते हुए जिस देश के साथ अपना राजनयिक संबंध पूरी तरह बहाल कर लिया वह देश ईरान है। अगला अपडेट है दोस्तों, किस देश के साथ अमेरिकी सेना ने रडार प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह देश है पलाऊ। अगला अपडेट है दोस्तों, नोजोमी ओकुहारा ने 27 अगस्त 2017 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु को हराकर जो पदक जीता वो स्वर्ण पदक था यानी कि प्रथम पोजीशन था।
अगला अपडेट है दोस्तों, सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को कितने साल की सजा सुनाई थी। इसका आंसर दोस्तों 10 साल। एक्चुअली दोस्तों इसका और अपडेट हो गया कि 10 साल से बढ़ के 20 साल हो गया। अगला अपडेट है, भारतीय नौसेना द्वारा 6 महिलाओं की टीम की पहली बार इस समुद्री अभियान के लिए चयनित किया गया, वह अभियान समुद्री परिक्रमा है। अगला अपडेट है, किन्होंने हाल में ही भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तो इसका आंसर है दोस्तों जस्टिस दीपक मिश्र ने। अगला अपडेट है दोस्तों, उबर कैब के नए सीईओ कौन है, यानी कि जो चयनित किए गए। तो नए सीईओ का नाम है दारा खोसरोशाही। अगला अपडेट है दोस्तों, वह आईआईटी जिसके शोधकर्ता ने किडनी विकार का स्टाफ पता लगाने के लिए बायोसेंसर का विकास किया, तो वो आईआईटी आईआईटी मुंबई है। अगला अपडेट है दोस्तों, वह कौन सा स्थान है जहां भारत का पहला माइक्रो जंगल बनाया जाएगा। तो उसका आंसर है रायपुर। तो बेसिकली दोस्तों ये थे अगस्त मंथ के लिए करंट अफेयर्स जो कि अगस्त मंथ में घटना घटी है। तो ये थे दोस्तों कुछ अपडेट्स। अगर हमारे इस प्राइम लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये हमारा लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां पर क्लिक करके हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते, जहां पे दोस्तों आपको हमेशा पीडीएफ फाइल्स फ्री में मिलती रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।